अगले राउंड की तरफ चलते हैं और अगला राउंड जो है डेरिवेटिव माइंड क्विज में हम 15 सवाल अपने सभी कंटेस्टेंट से पूछेंगे और इन 15 सवालों के जवाब देने के लिए कंटेस्टेंट्स को बजर दबा के इसका जवाब देना होगा। हर सही सवाल पे आपको पॉजिटिव पॉइंट और हर गलत जवाब पे नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपके सामने 15 सवाल रखे जा रहे हैं उसका पहला सवाल, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मेकिंग IPO ऑफ एनी सिक्योरिटी फॉर ₹ और मोर टू डू द सेम ओनली इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म, इज इट 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़? जी विष्णु, 5 करोड़। इसका जवाब है 10 करोड़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एनी पोजिशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर क्रॉस मार्जिनिंग ओनली इफ द पोजिशन इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऑफ सेट द पोजिशन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? जी योगेश, फॉल्स। चलिए यहाँ पर भी नेगेटिव स्कोरिंग के साथ ही शुरुआत करेंगे। इट इज ट्रू। तो एक और नेगेटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, ऑल मार्केट इंटरमीडियरीज आर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय डैश, इज इट DCA, इज इट RBI? आपने जवाब का जो पूरा ऑप्शन था वो सुनने से पहले बजर दबाया है। yes. सब अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी क्या करना चाहिए? विष्णु बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, रॉन्ग दे रहे हैं आंसर, तो एक और इनको चांस दे देते हैं। थोड़ा रिस्क आपके सामने है, बताइए क्या जवाब है? सेबी। सेबी, चलिए लेकिन इस बार आप बिल्कुल सही है, सेबी इज द राइट आंसर, तो +2 आपके खेमे में। अगला सवाल थोड़ा लेंदी है इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल, सेटलमेंट गारंटी फंड और ऑल ऑफ द अबव? जी भरत। डी। चलिए नेगेटिव साइड पर आप जाते दिखाई पड़ेंगे। इसका पहला जो ऑप्शन है यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, वो इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। फॉर ऑल द पब्लिक एंड राइट्स इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज द इशूअर हैज टू डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट्स ऑल द रेटिंग्स इट हैज गॉट ड्यूरिंग द प्रीवियस डैश मंथ्स, 6 months, 1 year, 3 year और 5 year? जी भरत। 6 months। चलिए वैसे आपका जवाब गलत है, इसका जवाब 3 साल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, द प्राइवेट प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स इशू ऑफ सिक्योरिटीज डेट और इक्विटी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स सच एज डैश विच इज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और HNIs और ऑल ऑफ द अबव? जी डी, ऑल ऑफ द अबव। विष्णु आप डी के साथ जाना चाहेंगे? यस। चलिए रिटर्न इस बार आपके पास ही जाएगा, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला और सातवां सवाल जो है, अ होल्डर ऑफ एन ADR/GDR डज नॉट हैव अ राइट टू डैश, इज इट रिसीव डिविडेंड, वोट, रिसीव कॉर्पोरेट एक्शन नोटिफिकेशन, ट्रेड द ADR/GDRs इन स्टॉक मार्केट? जी नितिन। बी वोट। वोट इज द राइट आंसर। एक पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आठवां सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग इज -R एलिजिबल टू बिकम ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बैंक्स, बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल ऑफ द अबव? जी भरत। डी। श्योर हैं या फिर गेस कर रहे हैं? श्योर हैं, मतलब लग रहा है। चलिए आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो एक और पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में जाता हुआ। नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फॉर ट्रेडिंग मेंबरशिप इन स्टॉक एक्सचेंज शुड बी, इज इट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख? जी विष्णु। 50 लाख। 30 लाख इज द राइट आंसर। तो एक नेगेटिव स्कोर आपके खेमे में आता हुआ। दसवां सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। डैश मीन्स एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन इशूअर टू ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट, इज इट कॉर्पोरेटाइजेशन, यू म्यूचुअलाइजेशन, लिस्टिंग, नन ऑफ द अबव? जी योगेश। लिस्टिंग। पॉजिटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ, लिस्टिंग इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और जो हमारा 11वां सवाल है, द स्टॉक एक्सचेंजेस में डीलिस्ट कंपनीज विच हैव बीन सस्पेंडेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ डैश फॉर नॉन कंप्लायंस विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट, इज इट 6 months, 1 year, 2 year और 3 years? नितिन सवाल जवाब दीजिए। ऑप्शन ए 6 months। 6 महीने इज द राइट आंसर। आपको +2 आपके खेमे में आता हुआ। 12वां सवाल आपको अब बताया जा रहा है। इन डैश ऑर्डर मैचिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, इज इट ऑक्शन ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और ऑड लॉट ऑर्डर? बी ऑड लॉट ऑर्डर इज द राइट आंसर। तो आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए था, एक नेगेटिव पॉइंट आपके खेमे में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अब आखिरी के तीन सवाल बचे हैं, चलिए ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। एनी ऑर्डर अबव और बिलो डैश ओवर द बेस प्राइस शुड कम टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एट अ प्राइस फ्रीज, इज इट 10%, 20%, 30%, 15%? जी नितिन, 10%। 20% इज द राइट आंसर। तो एक नेगेटिव स्कोर आपके पास और आता हुआ। अगला जो सवाल है वो 14वां सवाल है और वो है द बाय एंड सेल ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन डैश, इट इज बुक टाइप, सिंबल, क्वांटिटी एंड प्राइस और ऑल ऑफ द अबव। जी भरत, सी क्वांटिटी एंड प्राइस। यस सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो एक नेगेटिव स्कोर आपके पास और जाता हुआ। आपके सामने जो अगला यानी कि 15वां सवाल पूछा जाने वाला है वो ये रहा, द बेस्ट सेल ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस एंड द बेस्ट बाय ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द लोएस्ट प्राइस, इज इट ट्रू और फॉल्स? जी नितिन, फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब है, 2 पॉइंट आपके खेमे में आते हुए। तीनों जो हमारे राउंड्स हैं उनका समापन होता है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल स्कोरिंग अब आपको दिखाई जाएगी। सबसे पहला जो नाम है वो है विष्णु पात्रों का। विष्णु ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला स्कोर है वो है योगेश पाटिल का। बीइंग अ डॉक्टर योगेश, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दो कंटेस्टेंट यानी कि भरत और नितिन, एक कांटे की टक्कर दोनों के बीच में हुई और पहले भरत आप आए, एक अच्छी प्रदर्शन आपने किया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपकी तरफ से आई। और कैन वी हैव द विनर प्लीज, यानी कि सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 के मुंबई राउंड के विजेता हमारे साथ हैं नितिन देशपांडे। एक अच्छे प्रदर्शन के साथ पहले पायदान में पहुंचते हुए एक शानदार स्कोरिंग नितिन की तरफ से दी गई है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नितिन आपकी तरफ से रहा और जैकपॉट क्विज और साथ साथ सभी स्पेस में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो नितिन जो कि बने हैं सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 के सिटी राउंड के विजेता,